अब सीबीआई को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल ये खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी जोरों शोरों से वायरल हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक सुशांत के फैंस लगातार सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे थे और अब फाइनली सीबीआई ने हामी भर दी है कि वो सुशांत के केस की जांच करेगी। लेकिन उन्होंने अभी तक मुंबई पुलिस को 3 दिन का वक्त दिया है कि वो 3 दिन के अंदर सीबीआई को इस केस की रिपोर्ट सौंपेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि अब खबर आ रही है कि सीबीआई हो सकता है कि सच खंगालने के लिए कर सकती है 3 लोगों का नार्को टेस्ट। जी हां, आपको बता दें कि इस नार्को टेस्ट में आरोपी से या जिस पर शक है उस गुनहगार से पूछने के लिए उसे कुछ दवाइयां दी जाती है और उस दवाइयों को देने के बाद उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं जिसके ज़रिए सच सामने आता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नार्को टेस्ट के बाद भी इंसान सच बोले, क्योंकि इंसान की कंडीशन नार्को टेस्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसमें उनकी सोचने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। और नार्को टेस्ट में जो दवाइयाँ दी जाती है इसमें इंसान आधा बेहोश होता है और आधा होश में, जिसमें उनसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, वो जिस तरीके से जवाब देते हैं उस तरीके से यहाँ पर मशीन रेड या फिर ग्रीन का लाइट साइन देती है, जिससे पता चलता है कि इंसान सच बोल रहा है या फिर झूठ। अब इस नार्को टेस्ट को लेकर खबर सामने आ रही है कि 3 लोगों का नार्को टेस्ट होगा, जिसमें नाम सबसे पहले सामने आया है एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, दूसरा नाम सामने आया है एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती का, और तीसरा नाम सामने आया है एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिथानी का, जो अब अहमदाबाद फरार हो गए हैं बिना किसी को इन्फॉर्मेशन दिए। इन 3 लोगों पर जिस तरीके से शक है, जिस तरीके से आरोप लगे हैं और जिस तरीके से इन्होंने भागकर इस बात को प्रूफ कर दिया है कि वाकई में ये तीनों गुनहगार हैं और ये तीनों सुशांत के साथ हुए हादसे की सच्चाई जानते हैं, इसी वजह से ये लोग पुलिस के सामने आने से कतरा रहे हैं और सच बताने से भी कतरा रहे हैं। तो अब इन सब का हो सकता है नार्को टेस्ट, ऐसी खबर सामने आई है। लेकिन सीबीआई की तरफ से या फिर मुंबई पुलिस की तरफ से ऐसी कोई भी कंफर्मेशन या खबर नहीं आई है कि इन तीनों का कोई नार्को टेस्ट होगा, क्योंकि नार्को टेस्ट की ज़रूरत तब पड़ती है जब सामने वाला इंसान सच नहीं बताता और केस को सुलझाने के लिए इस टेस्ट को लेकर सोचना पड़ता है। नेक्स्ट लाइव सरोजनी की रिपोर्ट।